ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण वेवर कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में सभी ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि कम लोग ही जानते होंगे कि ब्लैक होल क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या है? नहीं तो चलिए जान लेते हैं यह क्या होता है। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहाँ फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब टाइम और प्लेस का कोई जरूरत ही नहीं होती। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसकी ग्रेविटेशन फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी डाला जाता है वह बाहर नहीं निकलता। आप इसे इस तरह से समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज़ हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस ही नहीं लौट कर आता तो वह जगह ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है। तो हमारे ब्लैक होल बनते कैसे हैं? जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। मतलब जब कोई तारा बूढ़ा हो जाता है तो वह धीरे धीरे भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है, और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खिंचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने अंदर निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग के खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाएगा। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वार्ट्ज़चिल्ड और जॉन वॉलर ने की थी। अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं, तो आपके साथ होगा क्या? तो इसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो एक तो ये हो सकता है कि आप ब्लैक होल में गिरने के बाद आप उसकी बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं, या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के नियम काम ही नहीं करते, जिसके कारण है आज तक पता ही नहीं लगाया गया है कि उसके अंदर है क्या। स्पेस में बहुत सारे ब्लैक होल हैं, और हो सकता है आगे चलकर हमारी गैलेक्सी में कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाए कोई तारा, तो जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को निगल सकता है। और अब की बात करें तो हमारी गैलेक्सी में एक ब्लैक होल पाया गया है जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है, जिसका द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना ज़्यादा है, पर उससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन हमारी गैलेक्सी से 26,000 लाइट ईयर दूर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल खोजा गया है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 4 अरब गुना अधिक है। अभी के लिए तो फिलहाल में हमें ब्लैक होलों से कोई खतरा नहीं है, पर आने वाले टाइम में हो सकता है। तो ब्लैक होल्स के बारे में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।